बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी यस्सिर वला तुयस्सिर व तमिम बिल खैर रबी ज़िदनी इल्मा। होप यू ऑल आर गुड। दिस इज़ द एक्सरसाइज 3A ऑफ बुक D2 एंड दिस इज़ द अपडेटेड एडिशन, न्यू अपडेटेड एडिशन। एंड टुडे वी विल डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। Now students, question number 2, the profit on a cup is 35% of a cost price. If the profit is PKR 280, find the cost price, the selling price of the cup. अब इस question में हमें given है 35% जो है ना वो हमें दी गई हुई है, profit percentage दी हुई है और profit भी हमें बताया गया हुआ और हमने find करनी है cost price और selling price। ठीक है, this is profit percentage, ठीक है, एंड दिस इज 35%। सेकेंड थिंग हमें प्रॉफिट, ठीक है, परसेंटेज में भी दिया गया हुआ है और जो है ना वो रुपीज़ में भी दिया गया हुआ है, PKR, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक, फाइंड हमने करना है कॉस्ट प्राइस पार्ट नंबर 1 में। ठीक फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम जो है ना इसका प्रॉफिट परसेंटेज वाला जो है ना वो फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, और ये प्रॉफिट परसेंटेज है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। एंड प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज है आपके पास 35%। ठीक, हम फॉर्मूले की चूज इस तरह करेंगे कि जिसमें ये अप्लाई आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, और ये इधर हमने नीचे कॉस्ट प्राइस लिखी है क्योंकि इधर हमें उन्होंने बोला हुआ है ऑफ द कॉस्ट प्राइस कि जो हमें प्रॉफिट परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस से रिलेट कर रही है। ठीक, इस वजह से हमने इधर CP जो है ना वो राइट डाउन किया और हमने फार्मूले का यूज़ किया क्योंकि हमें CP ही फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट भी हमें गिवन है 280 ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंट है तम ये जो है ना आप इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, से मल्टीप्लाई होगा 3 एंड डिवाइडेड बाय 35। 28000 डिवाइडेड बाई 35 एंड वी गेट 800। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई 800। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। ठीक, ये हम इसको बिल्कुल जो है ना वो सिंपल फार्मूले में जो है ना वो इनको पुट करके जो है ना वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, ये क्रॉस प्राइस में प्रॉफिट भी हमारे पास है 280, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 800। ठीक है, सेलिंग प्राइस में 800 ये इधर जाकर इसमें ऐड हो जाएगा प्लस 280। ठीक है, इसको हमने ऐड किया 0, 8, 9, 10 ये आ गए। ठीक है, एंड PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में सेलिंग प्राइस। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2। ये पार्ट नंबर 1 में हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली और उसके बाद हमने सेलिंग प्राइस फाइंड कर ली पार्ट नंबर 2 में। नाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेडर मिक्सेस 2 kg ऑफ बटर विच कॉस्ट PKR 80 पर kg with 3 kg of butter which cost PKR 60 per kg. He sells the mixture at PKR 25.5 per 250 gram. Express his profit as a percentage of his selling price. अब इधर बात हो रही है बटर की, 2 kg बटर की कॉस्ट उन्होंने बताई है 80 और 3 kg बटर की कॉस्ट बताई है 60 पर kg, और मिक्सचर के वो टोटल मिक्सचर की जो है ना उन्होंने कॉस्ट बताई है, सेलिंग प्राइस बताई हुई है 25.5 पर 250 grams। ठीक है, इधर kg में गिवन है लेकिन इधर ग्राम्स में उन्होंने जो है ना वो दी गई है, इट्स मींस कि हम इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। और अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है अपनी सेलिंग प्राइस की। ठीक है, पहले हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है और उसके बाद जो है ना वो हम उसकी जो है ना परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, सेलिंग प्राइस के लिए जो है ना हमारे गिवन है हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 kg ऑफ बटर, 2 × 80 एंड दिस इज़ 160 PKR
और उसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 kg ऑफ बटर 3 × एंड दिस इज 180 PKR। ठीक, अब जो है ना कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ मिक्सचर, ठीक है, दोनों का 160 + 180, ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 340 PKR। जी स्टूडेंट्स, ये जो सेलिंग प्राइस है ये हमें जो है ना ग्राम्स में दी गई है, इट्स मींस के जो है ना हम इसकी कॉस्ट प्राइस को भी जो है ना वो ग्राम्स में कर लेंगे, तभी हम जो है ना इसकी सेलिंग प्राइस को जो है ना वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ये 500 kg है, 1 kg के अंदर 1000 जो है ना वो ग्राम्स होते हैं, तो ये 5000 जो है ना ग्राम हो गए। ऑफ मिक्सचर इज 340 PKR। ठीक है, ये होगी अब सेलिंग प्राइस मिक्सचर की। ठीक, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर जो है ना वो है ऑफ 250 ग्राम की जो है ना वो है हमारे पास 25.5। ठीक स्टूडेंट्स, ये 25.5 है, ये हो गई 1 ग्राम की हम फाइंड आउट करेंगे तो फिर हम किसी की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, इधर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने तो फाइंड करनी है 5000 ग्राम्स की। ठीक, इधर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे और जो है ना ये सेलिंग प्राइस जो मिक्सचर की है ना पहले हम 1 की फाइंड करेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम 1 की करेंगे तो ये जो है ना इसको डिवाइड करेगा। ठीक स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करेंगे हम तो 25.5 डिवाइडेड बाय 250 वी गेट 0.102 PKR। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई। अब हमने जो है ना वो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है 500 ग्राम की, सॉरी 5000 ग्राम की। ठीक है, इट्स मीन के 0.102 को आपने जो है ना वो 5000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 5000 के साथ एंड वी गेट 510 PKR। ये हमारे पास आ गई है सेलिंग प्राइस 5000 ग्राम की। ठीक, अब हमने फाइंड आउट करनी है प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस का जो है ना क्वेश्चन में डिमांड ये है कि हमने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट ओवर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टूडेंट्स हम ऑब्जर्व करें तो हमें तो प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं इस क्वेश्चन में, इट्स मींस कि हमने पहले जो है ना वो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल फार्मूला ये जो है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 510 − 340। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये थी, कॉस्ट प्राइस भी हमने फाइंड आउट की हुई है 500 ग्राम की, ये हमारे पास आ गया 170। ठीक, ये इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। प्रॉफिट है 170, सेलिंग प्राइस है 510 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक फ्रेंड्स, ये इसको आप सॉल्व कर लें, 1700 डिवाइडेड बाय 51 एंड वी गेट 33.3। ठीक, ये इस तरह भी अगर ये इसको फ्रैक्शन मिक्स नंबर में लिखना है तो ये इस तरह आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको 17000/51, ठीक है, इसको डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है 33 1/3। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, नाउ इट्स नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, अ फ्लोरिस्ट बाय रोजेज एट PKR 18 पर डजन, इफ यू सेल देम एट PKR 1.20 ईच, एक्सप्रेस हर लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ हर सेलिंग प्राइस।
अब इधर फ्लोरिस्ट की बात हो रही है कि उसने जो है ना कॉस्ट प्राइस जो है ना उसकी 18 पर डज़न है, ठीक है, कि उसने 12 रोज़ेस जो है ना वो 18 रुपीज़ के खरीदे हैं, ठीक है। इफ़ ही सेल्स दैम एट PKR 1.20 ईच, ठीक है, ये अब उसकी सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। और 12 की हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो अब हमने इसकी जो है ना लॉस परसेंटेज का जो है ना उसकी सेलिंग प्राइस की जो है ना लॉस परसेंटेज जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। हमें ना लॉस नहीं गिवन, पहले हम लॉस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो है ना हम इसकी जो है ना वो परसेंटेज लॉस परसेंटेज की जो है ना वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। फ्रेंड्स, इधर आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 रोजेस, ठीक है, ये है 18 PKR, ठीक है, 18 PKR, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं क्योंकि 12 रोजेस की दी गई हुई है, ठीक। उसके बाद जो है ना सेलिंग प्राइस ऑफ 12 रोजेस, ठीक है, 1.20, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ क्योंकि ईच एक की दी गई हुई है, ठीक। फ्रेंड्स, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, वी गेट 14.40, ये हमारे पास आ गया। अब जो है ना वो हमने लॉस फाइंड आउट करना है। देखें, ये जो है कॉस्ट प्राइस जब ग्रेटर हो सेल प्राइस से तो जो होती है ना वो लॉस होता है, CP माइनस SP, ठीक है। CP है हमारे पास इधर 18 माइनस 14.40, ठीक है, ये हमने माइनस किया, वी गेट 3.6, ठीक। लॉस आपके पास आ गया 3.6। अब आपने जो है ना लॉस की जो है ना वो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ठीक। लॉस ओवर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक। लॉस से आपके पास 3.6 और सेलिंग प्राइस आपके पास 14.40 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 के लॉस पर। अभी हम इधर सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं फार्मूलाज में, जितने भी हमारे पीछे हमने फार्मूलाज किए हैं उधर हमने इसकी कॉस्ट प्राइस लिखी, ठीक है। अब मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। देखिए, आपके क्वेश्चन में डिमांड है एक्सप्रेस हर लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ हर सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि इधर आपने कॉस्ट प्राइस लिखना है कि सेल प्राइस लिखना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके जो है ना वो कॉस्ट प्राइस वाले हैं, लेकिन इसमें जो है ना उन्होंने सेलिंग प्राइस का बोला हुआ, तो इस वजह से जो है ना हमने इधर सेलिंग प्राइस को जो है ना वो राइट डाउन किया, ठीक। चल, अब जो है ना इसको कैलकुलेट कर लें, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 14.40 एंड वी गेट 25, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपके पास आ रहा है लॉस 25%। And students, this is the answer of question number 4. Now it's solved. Now students, question number 5. Sara buys a fax machine and sell it to Bina at a gain of 25% of her on the cost price. Bina then sells the fax machine to Almira at a loss of 25% on a price at which she buys it from Sara. If Almira pays rupees PKR 360 for the fax machine, how much did Sara pay for it? ठीक है, अब ये इसमें क्वेश्चन ये है कि सारा ने एक मशीन बाय की है और उसने जो है ना बीना को जो है ना वो सेल कर दी है, और कितने उस पर उसने जितने की खरीदी थी ना उस पर जो है ना उसको 25% जो है ना वो गेन हुआ, प्रॉफिट के साथ उसने सेल की है। और बीना ने जो है ना उसको सेल की है फैक्स मशीन को अलमीरा को, और जितने प्राइस से उसने सारा से खरीदी है ना उस पर जो है ना उसने 25% जो है ना वो लॉस के साथ बेची है, ठीक है। जितने प्राइस से उसने सारा से खरीदी है ना उस पर जो है ना उसको 25% जो है ना वो लॉस हुआ है। कह रहे हैं कि अगर अमीरा ने जो है ना एंड वाले जो है, ठीक है, उसने इतना पे किया मशीन के लिए, तो जो है ना सारा ने उसका कितना पे किया था स्टार्ट में, ठीक है। हमने फाइंड करना है ये सारा ने जो पे किया ना इसको ना फिर आप सपोज कर लें, ठीक है, कोई इसको जो है ना वो वैल्यू दे लें, तब जो है ना हम इसको जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इधर हमें कोई ऐसी सच वैल्यूज़ नहीं गई दी गई, परसेंटेज दी गई है और लास्ट वाली प्राइस दी गई हुई है, फिर जिसको हमने फाइंड करना हो तो उसको जो है ना वो हम एक्स वाई जी कुछ भी जो होते हैं ना वो सपोज कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस
at which Sara buys machine, वो हमारे पास हो गई x, ठीक है, x हो गई। अब इसने बेची है उसको जो है ना सेलिंग प्राइस, जो है ना सारा की सेलिंग प्राइस है वो x के अंदर जो है ना वो हम 25% को जो है ना वो ऐड करेंगे, ठीक स्टूडेंट्स, एंड 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। और वो उसका गेन क्या है 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, कि वो जो है ना सारा सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये एक्स, और उसमें हमने ऐड की है 25% ऑफ एक्स, ठीक फ्रेंड्स, ये देखें 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस, तो ये 25% कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है एक्स है, ठीक फ्रेंड्स। इसको जो है ना अब हम दोनों चीज़ों को ऐड कर लेंगे, परसेंट ख़त्म करें तो आपको पता है हमारे पास आ जाता है 100, ठीक है, 100 नीचे आ गया तो ये हमारे पास हो गया, इसको डिवाइड करें x प्लस 0.25x और इसको ऐड किया एक्स एक्स, ये हमारे पास हो गया, ये 1x हो गया जी स्टूडेंट्स, इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1.25x, ठीक है, ये हो गया जी स्टूडेंट्स। ये जो है ना सारा की जो है ना वो सेलिंग प्राइस होगी, देखें अगर इधर से देखें तो ये जो है ना ये बिना की वो हो गई कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि उसने इतने की जो है ना उससे खरीदी है सारा से, ठीक है। अब बिना ने जो इसके ऊपर लॉस की है ना वो 25% है, ठीक है। अब जी स्टूडेंट्स अब हम इधर जो है ना बिना का जो है ना वो लॉस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बिना ने जो है ना वो लॉस की है 25% का, ठीक है, बीनाज लॉस, ठीक, ये हमारे पास इतने की उसने खरीदी, ठीक है, दिस इज़ 1.25x और जो है ना इसमें हम और ये लॉस से परसेंटेज लॉस 25% लॉस की है, इससे जो है ना हम उसकी सेलिंग प्राइस को जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इतने इतनी प्राइस में जो थी ना उसने खरीदी, सारास की जो सेलिंग प्राइस थी वो किसके इक्वल थी, बीना के लॉस के इक्वल थी, बीना के कॉस्ट प्राइस की, ठीक है, ये सारास की सेलिंग प्राइस है बीना की कॉस्ट प्राइस पे, ठीक, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो इक्वल हैं, अगर ये सारा की सेलिंग प्राइस है तो बीना की कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब बीना ने बियर किया लॉस जो है ना जो उस पर उसको लॉस आया वो है 25%, ठीक है, ये 25% से फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट आपको पता है ये ख़त्म हो तो परसेंटेज के साइन तो नीचे 100 आ जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25/100, आप इसको सॉल्व कर लें, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड डिवाइडेड बाय 100 वी गेट 0.3125, ठीक, और साथ x, ठीक है, ये आप ये जो है ना हमारे पास बीना का लॉस आ गया, बीना का लॉस था कि 25% से जो है ना इसने जाना है, तो नाउ स्टूडेंट्स दिस इज बीनाज लॉस, ये हमारे पास लॉस आ गया। अब हमने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है ना वो मेंशन कर लें क्योंकि तीन है ना ये बीच में, तो ये हमने बीना की सेलिंग प्राइस जो है ना फाइंड करनी है 1.25x, ठीक है, इतने से ये इसको लॉस हुआ, ठीक है, 0.3125x, ठीक है, इसमें से जो है ना इसको माइनस कर दें तो आपके पास जो है ना बीना की सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1.25 माइनस 0.3125 एंड वी गेट 0.9375x, ठीक है, ये हमारे पास बीना की सेलिंग प्राइस आ गई। अब जो बीना की सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जिसमें उसने बेची है वही जो है ना अलमीरा की जो है ना वो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और अलमीरा की कॉस्ट प्राइस जो है ना वो आपको इधर रुपीज़ में भी दी गई हुई है 360 रुपीज़, ठीक स्टूडेंट्स। बीनास सेलिंग प्राइस, अमीराज कॉस्ट प्राइस, ठीक है,
मेरा की कॉस्ट प्राइस जो है ना वो आपको दी गई हुई है इधर आपके पास, बीना की सेलिंग प्राइस आ गई 0.9375x और अलमीरा की कॉस्ट प्राइस आ गई आपके पास 360, ठीक है, x 360 डिवाइडेड बाय 0.9375, ठीक है, ये इधर आकर इसको डिवाइड करेगा 360 से जो है ना इसको डिवाइड कर लें, 360 डिवाइडेड बाय 0.9375, ठीक है, वी गेट 384, x हमारे पास आ गया 384, ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द एक्स। एक्स अब हमारे पास क्या था, एक्स हमने सपोज की थी सारास की कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और हमने यही फाइंड आउट करना था हाउ मच सारा पेज फॉर इट, ठीक है, एक्स क्या है सारास कॉस्ट प्राइस, ठीक है, दिस इज 384 PKR, ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। I hope you understand these questions very well. Thank you very much, students, for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.